गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन में हम आपको इंटरव्यू पढ़ा रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू की प्रस्तुति। मतलब इंटरव्यू की प्रस्तुति देने के बाद, इंटरव्यू देने से पहले जो आवेदक होता है, जो इंटरव्यू देने जाता है, उसको किस किस बातों की, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साक्षात्कार की प्रस्तुति, मतलब इंटरव्यू। क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू फ्रेंच भाषा के इंटरव्यू शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे से। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि एक दूसरे से क्या ना, तो एक दूसरे से जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में उससे रिलेटेड उससे प्रश्न पूछना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है, तो उस समय हम कहते हैं कि हमारा इंटरव्यू चल रहा है। जब व्यक्ति अपने विचार विमर्श करते हैं आपस में, तो उस समय इंटरव्यू चलता रहता है। एक व्यक्ति हो वो कोई भी क्वालिफिकेशन करने के बाद वो ये सोचता है कि हम कहीं जॉब लाइन में आए, है ना। तो वो जॉब से रिलेटेड, चाहे वो किसी कंपनी में जाता हो या किसी संस्था में जाता हो या कहीं और जगह जाता हो, तो उसको जाने के बाद, वहाँ जाने के तुरंत बाद ही उसका एक विशेष प्रकार से इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। मतलब जो व्यक्ति वहाँ जा रहा है उसको उन स्टूडेंट, सॉरी, उनको उन कंपनी वालों से, कंपनी वालों को उनके उनके बारे में, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरव्यू। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचार विमर्श करता है, अपनी आपस में बातों को शेयर करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन करता है किसी एक उद्देश्य के तहत, तो उस चीज को अपन इंटरव्यू कहते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं साक्षात्कार की प्रस्तुति। मतलब जब साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आवेदक को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है या उनको कौन 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 सी चीजें करनी चाहिए। पहला है हमारा आवेदक को साक्षात्कार के लिए तैयार करना। मतलब जो आवेदक होता है, आवेदक कौन होता है, जो इंटरव्यू देने जाता है ना, तो आवेदक को साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी मतलब उससे उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किस रिलेटेड, जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, जो आप उन्हें बता रहे हो, जिस सेक्टर में आप जा रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आपसे कि आप किस प्रकार उनको पढ़ाओगे, बच्चों को किस प्रकार डील करोगे, किस प्रकार ये करोगे, तो वो स्कूल से रिलेटेड हो गया, है ना। अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हो तो व्यक्ति आपसे कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप कंपनी में क्या करना चाहते हो, किस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, आपको किस पोस्ट का नॉलेज है, आप कितना वर्क करना चाहते हो, वर्कलोड आप कितना ले सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप काम कर सकते हो, तो जो चीज़ें होती हैं वो आवेदक को तैयार करनी होती हैं कि हम उस प्रकार जाएंगे तो हम किस प्रकार जाना है, हमें किस प्रकार आना है, हमारी वेशभूषा क्या होगी, हमारे जाने का तरीका क्या होगा, हमारे बात करने का तरीका क्या होगा, हमारा बोलने का तरीका होना, तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में आती हैं, हमारी इंटरव्यू की तैयारी में। तो सबसे पहला है हमारा आवेदक को साक्षात्कार के लिए तैयार करना। जो आवेदक होता है उसे सबसे पहले तो साक्षात्कार के, अर्थात इंटरव्यू के लिए तैयार होना पड़ेगा पूरी तरीके से। दूसरा है हमारा जिस संस्था में आवेदक किया उसके बारे में जानकारी। अब दूसरी बात हमारी ये आती है, जिस संस्था के लिए आवेदक करना है उसे, है ना, उस संस्था के बारे में उसे सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई स्कूल सेक्टर में इंटरव्यू देने जाता है तो उसे स्कूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्कूल कितने तक है, या फर्स्ट पीसी टू 12 है, या 9 टू 12 है, या 8 तक है, मतलब जो भी उनकी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसे वो पता होनी चाहिए। अगर वो किसी कंपनी में जाता है तो उसे कंपनी भी पता होनी चाहिए, कंपनी कहाँ है, कौन सी जगह पर है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी में क्या काम होता है, किस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की उसको जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप हमारी कंपनी में आए, हमारी कंपनी में किस प्रकार का काम होता है, है ना, तो अपन को बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में इस प्रकार का काम होता है और इस काम के लिए हम आपसे आवेदन कर रहे हैं। तो अपन को क्या होता है कि जिस संस्था में आवेदन किया है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त रखनी चाहिए, कहाँ है, इसका नाम क्या है, इसमें क्या काम होता है, ये सब चीज़ें, है ना। दूसरा है, तीसरा है हमारा आवेदक को दिन व तारीख याद रखनी चाहिए। देखो, तीसरा हमारा पॉइंट है, आवेदक जो होता है वो इंटरव्यू देने जाता है तो उसे दिन
मतलब डे और तारीख डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यू में ये भी अधिकतर क्या होता है, लोग तारीख और दिन भूल जाते हैं, और जब फिर सामने वाला उससे क्वेश्चन करता है आज की डेट क्या है या आज कौन सा दिन है, तो वो लड़खड़ा जाते हैं और उस चीज़ के लिए भूल जाते हैं। लेकिन आवेदक को क्या करना चाहिए, डेट और तारीख अच्छे से याद रखनी चाहिए, जिससे अगर सामने वाला उसे डेट और तारीख के बारे में कुछ पूछता है तो वो जल्दी से अपना आंसर देके उनको बता दे। नेक्स्ट है हमारा, आवेदक को प्रमाण पत्र की कॉपी और मूल कॉपी दोनों रखनी चाहिए। कहीं कहीं संस्थाओं में ऐसा होता है कि जो आवेदक होते हैं उनसे मूल कॉपी, मूल कॉपी क्या होता है, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं, उसकी कॉपी भी मांग लेते हैं। अगर उनको लगता है कि केवल कॉपी ही रख लेते हैं बाद में देख लेंगे, है ना, तो वो कॉपी रख लेते हैं। और अगर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपनी कंपनी के मैटर में, तो वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं। और अगर आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं होता है तो उस टाइम गलत प्रभाव पड़ता है। तो जो आवेदक होता है, जो इंटरव्यू देने जाता है, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी भी रखनी चाहिए, दूसरी मूल कॉपी भी रखनी चाहिए। मतलब एक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो रखने चाहिए और दूसरी हमारी उसकी कॉपी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, आवेदक को अपना बायोडाटा साथ रखना चाहिए। जो आवेदक होता है उसको अपना बायोडाटा, बायोडाटा क्या होता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या वो करना चाहता है, किस जगह वो गया, मतलब कितना उसको एक्सपीरियंस है, कितनी उसने स्टडी की, कितने उसके पास डिप्लोमा है, तो बायोडाटा मतलब अपने बारे में सब कुछ, अपने बारे में सब कुछ, कहाँ वो रहता है, कहाँ का उसका निवास प्रमाण पत्र, सभी उसको सब चीज़ याद रखनी चाहिए। तो अपने बारे में वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए। तो जो आवेदक होता है उसको अपना बायोडाटा साथ में रखना चाहिए। ये हमारे इंटरव्यू की साक्षात्कार की प्रस्तुति थी। प्रस्तुति मतलब जब इंटरव्यू देने एक व्यक्ति जाता है तो उसको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, और साथ ही आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाइए। डे बाई डे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ, टॉपिक बाई टॉपिक कम्प्लीट करवा रहे हैं, तो आपके टॉपिक बाई टॉपिक नोट्स भी कम्प्लीट होने चाहिए। साथ ही आपने जिन जो क्वेश्चन पेपर टिक किए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में, तो वो आप लोग मॉडल खरीद लीजिए और स्टडी आप अपनी साथ में ही करते जाइए, क्योंकि जितने आपने सब्जेक्ट टिक किए हैं वो सारे सब्जेक्ट सारे पेपर आपके होने हैं, तो साथ में आप उनकी भी तैयारी करते जाइए। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।